1857 की जो क्रांति थी रिवॉल्ट था
इसका कारण क्या था? जैसे इससे पहले भी रिवोल्ट हुआ था, बताओ कहाँ देखा हुआ था। याद रखिए 1857 से पहले मैंने आपको बताया था 1824 गैरतपुर छावनी का जो विद्रोह हुआ था वो इसका रीजन था, क्योंकि मंगल पांडे ने ये स्टार्ट किया था। तो मंगल पांडे को जो है ये सूरज की चर्बी तो यहाँ पे था, ये 1857 की जो रिवोल्ट थी ये इसका कारण नहीं था। इसके कारण को गैरतपुर छावनी वेस्ट बंगाल में कहाँ पे थे, गैरतपुर छावनी यहाँ पे गैरतपुर छावनी ये वेस्ट बंगाल में थी जिसमें चर्बी का यूज किया गया था। अगर ध्यान दीजिए ये चर्बी का यूज इसमें किया गया था, ठीक है। अब इसमें मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे के द्वारा ये विद्रोह पहला विद्रोह किया गया था गैरतपुर छावनी। अब इस विद्रोह के कारण जो दबा दिया गया था साथ नहीं। देखिए ये जितने भी विद्रोह हुए उनकी असफलता के पीछे कारण क्या था, उसकी असफलता के पीछे कुछ काम बताइए। बस देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने साथ इसलिए ये असफल रहे, क्योंकि पांडे ने मंगल पांडे ने विद्रोह किया था तो इनके जो यूनिट के सदस्य थे उन्होंने इनका साथ नहीं, तो एक साथ विद्रोह होता तो ये वहाँ पे रात की हो जाती तो रात के तो नहीं मुश्किल हो। ये यहाँ पे भी एक था और इस जो 1857 की क्रांति यदि कारण है, क्योंकि ये क्रांति होने के बाद में 1857 का पीछे कार्य कहाँ से स्टार्ट हुई, मेरठ से। ये 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ, 10 मई क्योंकि मेरठ से दिल्ली के लिए कूच किया था, मेरठ से दिल्ली के लिए कूच किया गया था। और अलग अलग जगहों के द्वारा 1857 का
मुख्य कारण ये लिखा है कि जैसे माटी व्यक्ति लोग थे जनता भी उसके हितों को ध्यान में नहीं रखता है। दूसरा जनता है कि इस बात में कोई भी शासन जनता भी है। अब जनता के कल्याणकारी साधन नहीं होंगे तो जनता में एक ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जनता का प्रदेश में नहीं। वही चीज यहाँ पे भी था क्योंकि जनता के जो कल्याण की बात पहले जैसे बंगाल के गवर्नर थे तो बंगाल के गवर्नर ने क्या था
वहाँ पे पंद्रह से गवर्नर को पूरा की छूट नहीं थी क्योंकि लॉर्ड के अंदर कोई डांस किसी एक्ट के था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स आए तो वारेन हेस्टिंग्स को पहले किससे था बताइए, कौन से एक्ट के तहत था? वारेन हेस्टिंग्स को किस एक्ट के तहत वर्क करना था? रेगुलेटरी एक्ट 1773। और इसके बाद फिट्स इंडिया एक्ट जो भी कब आया था 1784। तो ये उससे बना हुआ था। तो इसके बाद याद रखिए कि बंगाल के नवाब बंगाल के गवर्नर थे तो उनकी पद को चेंज किया गया गवर्नर जनरल में, तो नाम की पावर थी उसको बढ़ा दिया। तो यानी कि बंगाल के गवर्नर था उसको पावर नहीं था, क्योंकि वो एक्ट के तहत वाला जो था, टीवी का जो हुआ है, टीवी में याद रखिए
नंबर एक, यूपी का नंबर एक, बताओ कहाँ पे था, झांसी का भी था, झांसी और इसके बाद कानपुर, तो झांसी कानपुर दोनों गए थे, झांसी में किसने किया था, ये तो याद रखिए कम से कम Gracias.
पहले आया था सत्ता मंत्रों पर, मैं वही को देख रहा हूँ कि मैंने बोल दिया कि बात इसलिए यहाँ कि बीज आप सेव दे यहाँ पे बीज आप अपराध वर्तमान की स्थिति भी जो देश की है वो भी बीज आप से ही क्योंकि नारी शिविर के ऊपर तब तक इसका पता नहीं क्योंकि लालच मैंने माना ना कि सीखना होना चाहिए। याद रखिए लालच इस बात का होना चाहिए कि हम हमें देश के प्रति तो बिल्कुल भी लालच अपने स्वार्थ की कमी नहीं हो सकती दूसरा देश के प्रति गंभीर रहना चाहिए और लालच इस बात का होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये जिज्ञासा हम क्या कैसे अच्छा बना सकते देश सर्वोपाय है ये भंडारा का सृष्टि है राष्ट्र सर्वोपाय है राष्ट्र सर्वोपर है याद रखिए तो राष्ट्र प्रथम है उसके बाद कुछ है पहले देश पर ये चीज क्या सकते हैं यहाँ पे इसीलिए यह स्पर्धा दसवर्ता के क्या जहाँ पे एक तो देशी रैशनों के द्वारा ये हेल्प है दूसरा नेतृत्व की कमी लीडरशिप तीसरी बात क्या कि मित्रों एक साथ अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम पे हुआ तो हमें एक एक करके सबको अगर ये एक साथ होगा तो कम्युनिकेशन की कमी इसमें ये भी है कम्युनिकेशन नहीं था तो ये इसमें याद रखिए कि क्या क्या कमियाँ थी कारण क्या थे उसको कमी लीडरशिप नहीं था नेतृत्व क्षमता नहीं थी लीडरशिप की कमी क्योंकि लीडरशिप होते थे एक साथ होता अब जो ज्यादा लीडरशिप क्या था वो हमें देसी रियासतों जबकि बुद्धिजीवी लोग की उनका भी सही क्योंकि बुद्धिजीवी लोग की जब तक सही रहता है कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग देश और आप जनता के विकास के लिए खाली बुद्धि को एक पकड़े की बात करते रहते उसका यूज होता है ये यहाँ पे इनका सहयोग नहीं मिला। दूसरा इनके अति आदमी उन्नत के सामने अच्छे तो एक ये भी कारण लेकिन बार खुद ही आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि अस्वस्थता का कारण क्या क्योंकि अस्वस्थ क्यों है क्योंकि सबसे बड़ी अस्वस्थता का कारण होता है किसी किसी चाहे आप किसी पैटर्न में जैसे आप बैठे इसमें भी किसी का दृढ़ इच्छा शक्ति और सहयोग की जरूरत क्योंकि आप ये सोचें कि हम अकेले क्रिया भी करते हैं हम आपसे सहयोग देंगे घटाना पर कि आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं उनका भी कनेक्ट होना चाहिए ये जब क्योंकि इसमें सभी का हेल्प होना चाहिए क्योंकि कहीं पर भी हम क्रेडिट के जा रहे हैं कहते हैं कि मॉरल सपोर्ट की कोई कर सकता लेकिन वो भी आपको ये थोड़ा सा नहीं कहते कि यहाँ पे भी मॉरल सपोर्ट याद रखिए मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिए इसका उदाहरण छोटे बच्चा है बच्चे को क्या है छोटे बच्चे में अगर तुम थोड़ा सा लोगों को कोई काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है बहुत देर से क्योंकि उसको बहुत सपोर्ट है स्कूल जा सकती है लेकिन तुम्हें बहुत बढ़िया काम चार लोग जैसे कोई चीज़ उठा के लाए कहते तो मैं बहुत बढ़िया काम तो बहुत सपोर्ट का ये बहुत बड़ी बात है बहुत सपोर्ट भी होना चाहिए तो बहुत सपोर्ट तो ऑलवेज हो लेकिन ये सिर्फ हमारी पहले लोग अच्छे ही बोलते थे तो अच्छे ही आज इधर से लोग बोलते हैं बाहर से ये थोड़ा सा क्योंकि बिल्कुल जो अंदर से है और जो अंदर से आए थे वो सब सही ये याद रखिए यहाँ पे मॉरल सपोर्ट भी नहीं था लीडरशिप नहीं थी उन्नत इस पर हथियार नहीं थे उनके पास दूसरा नेतृत्व क्षमता नहीं थी लीडरशिप को नहीं और ये मित्रों एक साथ था एक साथ अगर इंस्पायर होगा तो ये जीत होगी। दूसरा ये मैंने बताया गेट जाफा नहीं क्योंकि गेट जाफा कब से ज़्यादा कब से अंदर अंदर नहीं है क्या आप मैं सुनिए ये सब वही है
देखिए वर्तमान की स्थिति में भी यूपीएस से चल रहे हैं, तो आप किसी एक वर्ड को पढ़ रहे हैं तो आज भी इसको देखें कि वर्तमान में इसका क्या हमें क्या करना चाहिए, आज की स्थिति क्या है, उसकी स्थिति कैसे मैच करेंगे। आज की स्थिति भी है कहीं पर भी कोई भी विद्रोह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें कौन सक्रिय है, अरे क्योंकि कोई नहीं चाहते कि शांति रहे कि बात, अगर वो चाहे तो ये सब गलत हो सकता है। ये सब यहाँ पे जा रहे हैं कि बढ़ा सत्ता क्रांति जो है वो देश के लिए नई ऊर्जा का नाम दिया था, बेशक असफल रहा, लेकिन नानी लक्ष्मीबाई को आपने देखा कि विश्वास जनता की सेवा भी और अपने काम की चिंता ना कर और सार्वर किसी चिंता की जनता की और देश की छोटे बच्चे की भी चिंता नहीं। और दूसरा ये है अंग्रेजों के सामने कभी भी नतमस्तक होने की जरूरत, इसे कहते हैं यही हमारा, देखिए ये चीज़ तो आपको स्वाभिमान को होना चाहिए, लेकिन आपको स्वाभिमान नहीं होना, स्वाभिमान ही तो होना चाहिए, प्राउड फील नहीं होना, स्वाभिमान ही फील तभी ये बढ़ते गए, लेकिन आज के सांस तक बढ़े और जो कुछ हुआ है उसका फील नहीं, लेकिन सबसे बड़ी है कि उनकी जो आज नहीं थी वो साफ जाहिर हो गई, इन्होंने देश के लिए तो देश समर्पण का काम किया वो क्रांतिकारियों ने किया, और गांधी लक्ष्मी भाई पहली महिला थी जिन्होंने इस तरीके से अंग्रेज के साथ करते किए थे कि अंग्रेजी द्वारा को परेशान, क्योंकि विरोध को तो पेंशन हो गया था, सारी प्रणामी फेल कर ये याद रखिए मान को और झांसी का इम्पोर्टेंट है, और दहली में जैसे बहादुर शाह के लिए नहीं है, और अब बहादुर शाह को समझ लेंगे दहली में ये सारे रिपोर्ट 57 में ही डंप कर दिए गए थे, मतलब समाप्त कर दिए गए थे, कुछ ही 58 का डंप करा था। तो ये याद रखें कि कौन कौन से प्लेस थे। अब बहादुर शाह की स्थिति क्या थी, बहादुर शाह सेकेंड या जफर जो था इसने जैसे दिल्ली जनता ने इसको अपॉइंटमेंट किया बहादुर शाह, और ये था कि अगर हम जीते तो बहादुर शाह को दिल्ली गंदी करते, क्या अंग्रेजों की बात बात उन्होंने इस विद्रोह को दबाने का पूरा निश्चय लिया और इसको दबाया, अब दबाने के बाद सरेंडर कर दिया बहादुर शाह, बहादुर शाह ने वहाँ पर स्पष्ट किया रंगून में बहादुर शाह को निर्वासित कर दिया था, और आज ही हम ये रंगून में ही रहे और इनकी डेथ हो गई, जो इनका बाजार है वो कहाँ पे है, कहाँ दफना गया था रंगून, बहादुर शाह दफा ने कहा था कि मैं अपने देश में जो होगा जमीन नहीं मशीन नहीं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि अंग्रेज पहले ऐसा क्यों करते थे, मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ से उठा के या तो बांट लीजिए प्रेस ने वर्मा में दिया उसको नेपाल में कर दिया, तो वो इस तरीके से क्यों करते, क्योंकि अगर वो इंडिया में रखते तो विद्रोह मैंने कि अभी यहाँ से दूर हो जाएगा तो ये विद्रोह का ये पॉलिसी थी ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश को कहीं विद्रोह जमाना है तो ब्रिटिश यही करते थे कि इधर के व्यक्ति को उठा के साउथ में हमारे लिए रेल ले दिया, ये मामले को मतलब इस तरीके का काम था। अब बहादुर शाह ये तो 1857 की क्रांति के लिए सबको समझ आ गया, जिसमें क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि क्रांति के बाद क्या थे और असफलता के लिए दोनों आपके साथ ही अंबाजी क्लेश है, तापमान के होगा 1857 की हिंदी क्रांति ज़्यादातर तो 1857 में ही क्लेश को कहीं पर संस्थान के बनाए। अब इसके बाद दूसरा काम क्या होता कैनेडा का लॉर्ड कैनेडा Yeah.
दिलवा पुनर्निर्माण तो तब ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो 56 में आया 1856। दिलवा पुनर्निर्माण इस टाइम में नहीं, इस समय में बताओ देखिए कोई नहीं, यही इसकी इवेंट नहीं महत्वपूर्ण इवेंट थी 1857। अब इसके बाद भाषण तक लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के बाद भाषण के बाद देखिए फिर कौन था Thank you.
कम बारिश आने वाली था, ये सब बारिश आए। अब इसमें बारिश के बाद सब लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस खासकर चीन की मिट्टी, इसमें भी आपको सुनना है। हाँ हाँ सर, नॉट इंटरफियर, यानी कि कोई व्यक्ति आपको इसमें अपना कोई कर सकते नहीं कर सकते। अब इसके बाद लॉरेंस के टाइम में एक घंटा और घंटे के बीच, क्योंकि देखिए याद है कि स्पेस में है, ये स्पेस में है, ये क्या है और इधर ये मिस, उसके बाद में क्या है मिस है, तो ये पूरा स्पेस में है। स्पेस क्या नाम है, स्पेस है यहाँ पे, ये अरब सागर है, लाल सागर है, रेड सागर, यहाँ मेडिटेरियन से यानी भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर देखिए मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर दिया, ये स्पेस में सबसे बड़ी नहर है वर्ल्ड की। याद रखें किसको अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, और रूमी किसको है, रेड सी को भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से, यानी यूरोप का एशिया से जुड़ा होता है बाई वाटर पहले भी। और ये नहर खुली हुई थी 1869 में, इसका नाम था मोदी अग्रवासी, ये नहर लॉरेंस के टाइम में होती। किसको जोड़ती है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से, और ये सबसे बड़ी नहर है विश्व की, इसमें एक साथ दो जहाज पार कर सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी छोड़ी। तो ये स्ट्रेंज है और पनामा है, वर्ल्ड की नहर पनामा है, रास्ता लेने लोकेट था अफ्रीका से आप सीधे से आ सकते, लेकिन इसको नहर बनने के बाद अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, अब आपको कहीं बैठो नहीं आना होगा भाई एरोप्लेन, ठीक है, अब भाई लैंड नहीं आ सकते, भाई रोड नहीं आ सकते सेफ नहर के लिए। अब इससे क्या फायदा हुआ सेफ नहर से, देखिए अब मैं सेफ नहर का बेनिफिट क्योंकि पहले इंडिया में जो व्यापार होता था वो एक सप्ताह के लिए दवाई थे, तो वेस्टर्न से हुआ है पुर्तगाली हुआ है, पुर्तगाली आए सब, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिस आए, स्वीडिश आए, फिर इस तरीके से स्वीडिश सबसे बात नहीं, फ्रांसिस है, फ्रांसिस के बाद स्वीडिश है, क्योंकि सब 1664 में फ्रांसिस है, 1732 में स्वीडिश सबसे लास्ट, पहले जो व्यापार होता था वो इसमें याद रखिए कि वो पूरा अफ्रीका को घूम के आना होता था इंडियन ओशन में, अब ये भारत में टाइम भी ज़्यादा लगता था, खर्चा भी ज़्यादा होता था, अब वो खर्चा सब बढ़ गया क्योंकि अफ्रीका वगैरह सब करीब क्या अमेरिका है जो क्या है तो पूरा अफ्रीका उसके कम हो गया। अब ये जो चीज़ें होती है कनेक्टिविटी किसी को भी खर्चा भी बचा टाइम भी दोनों चीज़ की बचत हुई, सीधे स्वेज नहर को निकाला है। अब इससे अमेरिका भी जाना है तो भाई स्वेज नहर मेडिटेरियन सी से यहाँ पे जिब्राल्टर सर्किल है, देश पे तो मोरक्को को चला था पर इसको कर पड़ेगा, ये मोरक्को मोरक्को से कौन आया था, मोरक्को से
यात्री यात्रा लेकिन ये इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड में जो ही नहरें आते हैं स्वेज नहर और पनामा नहर। स्वेज नहर तो देश का कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से अलग करती है देश को एशिया से यानी अफ्रीका को एशिया से। पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। पनामा नहर उसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि पनामा सिटी है उसी से होगी लेकिन उसमें वो इतनी चौड़ी नहीं उसमें एक तरफ से अगर सिप आएगा तो दूसरी तरफ वाले को वेट करना तो वो उसको अटलांटिक ओशन जो होती है वो पैसिफिक ओशन या लेकिन यहाँ पे जो पड़ रहे हैं पाकिस्तान कर सकते हैं आप क्लियर कर सकते हो आप हमेशा अमेरिका अगर जाना है आपको या यूरोप के किसी कंट्री में ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी सारी कंट्री जो है ये आपको इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री कर रहा है अमेरिका भी जाना है क्लियर। इसको यहाँ से याद रखिए। अब इसके बाद लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के टाइम पर याद रखिए मेयो कॉलेज की स्थापना की थी मेयो कॉलेज मेयो कॉलेज की कोई स्थापना की गई थी इसके पीछे कारण क्या था क्योंकि जो भी राजा महाराजा के बच्चे होते थे वो इसी कॉलेज में पढ़ते थे ये काम इनकी अजमेर उसमें लिख ली थी मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर। और इसमें राजा महाराजा जो राजा होते थे पहले उनकी संतान आज भी यही है मेयो कॉलेज। मेयो के टाइम में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई थी ये राजाओं के बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ इसके बाद नॉर्थ ग्रुप है नॉर्थ ग्रुप है सब लेकिन लॉर्ड लेटिन के टाइम पे याद रखती लेटिन और रेतन जो तो लेटिन में आप देख सकते हैं कि लेटिन की क्लास सबसे पहले लेकिन जो लॉर्ड लेटिन देखा लॉर्ड लेटिन के द्वारा सर्वप्रथम जैसे लिखे तो सर्वप्रथम लॉर्ड लेटिन के द्वारा ऐसे सर्वप्रथम लॉर्ड लेटिन के द्वारा प्रेस एक्ट पारित किया गया। कौन सा प्रेस एक्ट था प्रेस एक्ट और ब्रैकेट में लिख दो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो वर्नाकुलर प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में पारित किया गया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में पारित किया गया था। इसका अब क्या था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लेटिन के द्वारा लाया गया इसको बता सकते हैं क्या ये बताइए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 में आया था इसके द्वारा लाया गया था लेटिन के द्वारा क्या था ये बताइए। अब प्रेस से समझ में आ रहा है प्रेस का मतलब क्या होता है मीडिया तो यानी प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया ये इस एक्ट को देख लीजिए समाचार पत्रों का बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया
सेल को लिख लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहते हैं, यानी हाँ बोलने की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त कर दी। क्योंकि प्रेस को क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको नहीं बोलने की स्वतंत्रता, आपको भी आप देखिए जैसे प्रेस की बात चल रही है तो याद रखिए कि अखबार का मुंह बंद करने वाला या समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता है। अब प्रेस की बात आती है, प्रेस को स्वतंत्रता है, आपको भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये बताइए ये जो फ्रीडम है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये किस क्षेत्र के लिए, आप जो मर्जी आए वो बोल सकते हैं, ये फ्रीडम नहीं है। हाँ तो क्या फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये जो हमने 19 के तहत दिया गया है आर्टिकल 19, तो ये क्या है, आप नेहरू मेडिकल से बाहर निकले, आप हर चीज को वहीं लेंगे, वहां से मैं नहीं चाहता। देखिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं पूछ रहा हूँ मेरे क्वेश्चन को नहीं समझा, आप एकदम से उसको ले जाके नहीं पहुँचा जहाँ पे कभी नहीं रहा। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको इस बात की है कि आप वो सब बोल सकते हैं जो देश हित में, आप वो सब बोल सकते हैं जो देश के डेवलपमेंट में काम, आप वो सब बोल सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी आपको अच्छा कर सकते और आपके आपसे फ्रेंड है, ये फ्रीडम, फ्रीडम ये नहीं है कि किसी की भावना को आहत पहुंचाने के लिए आप कुछ बोलें, ये फ्रीडम नहीं है, नहीं यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब, ये राइट प्रेस को भी नहीं है, प्रेस को भी कायदे में राइट क्या है, क्योंकि फोर्थ स्तंभ है गवर्नमेंट, इसको भी यह है कि ये देश के जितने भी विकास की या जो भी समस्या है उनका सॉल्यूशन है, प्रेस को क्या काम है, प्रेस का काम है कि वो सॉल्यूशन, दूसरा डिबेट करें तो उनके सॉल्यूशन पे करें, बुद्धिजीवी लोग जो भी हैं या स्टूडेंट हैं उनको भी डिबेट में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि युवाओं की जो प्रक्रिया है वो उनको आनी चाहिए काम, क्योंकि देखिए जितना भी यूथ है वो नए नए डिस्कवरी कर सकते हैं, उस पर भी अपनी कुछ सोच है, तो आज ये गवर्नमेंट ऐसा हो रहा है कि उनको मोदी जी ज़्यादा भी यूथ को प्रेरित कर, चाहे वो IAS का हो, IAS का सेंटर हो, वहाँ पे IAS वालों से भी बोल रहे हैं कि आप 10 साल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आप यूथ हैं, आप सोचिए, आप में सोचने की शक्ति ज़्यादा है, करने की भी ज़्यादा है, तो ये सब हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि हम अच्छा से अच्छा जो है वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन वो उसमें यही ध्यान रखना है कि वो हमारी सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं देश को या देश समाज को आगे बढ़ाने में सक्रिय, ऐसा कोई भी स्पीच हमें नहीं देना है जो किसी की भावनाओं को आहत करे, उन पर चोट हो जाए तो यही चीज नहीं होना, और इसको हमें बताना चाहिए क्योंकि हम हमेशा क्या है संकुचित संकुचित माइंड को रखें, हमारा माइंड भी डेवलपमेंट है, अगर इसे ब्रॉड मेंटेलिटी का आप ले जाएंगे ये नेगेटिव में भी पॉजिटिव है, जिससे ऐसा होगा तभी अच्छा, क्योंकि आपका नेगेटिव में भी पॉजिटिव होने की आदत है, राइट। वरना को प्रेस है तो प्रेस हो या आपको फ्रीडम है, प्रेस को भी फ्रीडम है, हर व्यक्ति को एवरी सिटीजनशिप जो इंडिया है सबको फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम किस बात की है ये चीज़ मैंने आपको बताया कि ऑनली वो बोल सकता है क्या जिससे देश आगे बढ़े, जिससे आने वाले फ्यूचर जो है वो आपको आदर्श के रूप में, जैसे कि विवेकानंद जिन्होंने जो बोला वहाँ से आप फॉलो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है, इससे एक समाज के लिए ये स्पीच ही तो थी, उनको आप फॉलो करें, चाणक्य ने जितना भी बोला है वो सब देश हित में समाज हित में, तो ये फ्रीडम आपको होना चाहिए, राइट। और आज आगे बढ़ते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 एक्ट, इसे प्रेस का मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहते हैं। इसके बाद देखिए
लॉर्ड रिपेंट आते हैं, लॉर्ड रिपेंट को सज्जन मिशन कहा जाता है। देखिए ये लॉर्ड रिपेंट को ब्रेड देख सकते हैं सज्जन मिशन, और सज्जन मिशन को कहा जाता था इसके पीछे कारण। जनगणना की बात कही कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, याद रखिए 1872। लेकिन ये आप एक बात कहें कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना की प्रारंभ कब से हुआ, दो क्वेश्चन बने, वो कब से किया गया था, 1871 से। यहाँ पे 10 वर्षीय 10 ईयर्स जो सेंसस था यहाँ से 10 वर्षीय जनगणना। दस वर्षीय जनगणना की बिगेनिंग कहाँ से हुई, रिपब्लिकन क्योंकि वो पहली बार हुई थी लेकिन वो नियमित हुई। अब जो नियमित जनगणना है वो कब से है, 1881 से, खास आफ्टर 10 ईयर्स होती है, 81 में हुई थी, 91 में हुई थी, 2001 में, इस तरीके से 1 के साथ ही होती है। तो अब इसके बाद 82 में क्या हुआ था, जनगणना हुई 10 वर्ष और
लेकिन जो इंडियन जज होगा वो ओनली इंडियंस को सुनेगा, उसको नहीं सुनेगा। तो इसको ये भेदभाव को खत्म किया। तो ये किसने किया था? रिपीट याद रखिए कि दोनों जज को दोनों ग्रैंड किए गए, दोनों ही दोनों को सुन सकते हैं। ये पहले ऐसा नहीं, पहले ये था कि इंडियंस को भी, यहाँ पे भी एक तरीके से सिमिलरिटी यहाँ पे नहीं। यहाँ लिख लीजिए कि भारतीय जजों को भी ब्रिटिश और इंडियंस मामले सुनने की सुनवाई थी। उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी
इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको क्योंकि कांग्रेस से भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें ये भी बनता है कि बताओ कांग्रेस की स्थापना शुरू की थी, कांग्रेस ये जिलाधिकारी थे बेटा के, बेटा है याद रखिए रिटायर्ड जिलाधिकारी थे। यहाँ से आप ये उनको लिख सकते हो कि रिटायर्ड जिलाधिकारी एक नियंत्रण बेटा इनके दिमाग में ये विचार आया क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों किया कांग्रेस की स्थापना संघ ये पार्टी हिंदुस्तान को इसकी स्टैब्लिश की अंग्रेजों ने की क्योंकि आपको अच्छा लगता है या देश के लिए उन्होंने सिर्फ अपने लिए क्योंकि कांग्रेस की स्टैब्लिश के पीछे देवभूमि के दिमाग था कि हमें क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुभाषी लोग हमारी जो भाषा है अलग अलग है, दूसरा अंग्रेजों को यहाँ की भाषा समझ नहीं आती थी तो उन्हें देखा कि एक संस्था होनी चाहिए जो हमारे लिए काम करे। तो इस संस्था को हमने ये उनके लाया द्वारा एक संस्था बना दी जाए तब ये कांग्रेस की स्टैब्लिश की गई और इसमें जो उदारवादी लोग थे उदार विचारधारा उदार उग्रवादी उदारवादी गरम दल और नरम दल जो आपका डिवाइडेशन हुआ था सूरतपुर में उसको लिबरल लोग थे इसके साथ तो लिबरल लोगों का ये संस्था बनाई थी कि ये हमारे लिए काम करे, समझ रहे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसमें लाल रंग वाला है जो हमारी कहानी खराब कर देगी। अब इसको गरम दल के जो लीडर हैं वो भी इसमें जोड़ना शुरू हो गए क्योंकि उनको पर ये लगा ये लोग तो नहीं समझ पाए जो लिबरल नहीं थे जैसे लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल तो इन लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है तो इन्होंने इनकी विचारधाराओं को डाउनलोड नहीं होने और इन्होंने इसके अगेंस्ट काम करना शुरू किया और यही कारण हुआ कि ये बात लिबरल लोगों को पसंद आई और नहीं पसंद आई यही सूरत की पूर्णता का कारण और इसमें आप देखिए कि जो गरम दल थे अब इसमें देखिए लिबरल लोगों में बता दूँ दादा भाई नरोज जी को आप आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये अच्छे भाग्यवत नेता थे लेकिन ये देश हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि वायुवृद्ध नेता होने के साथ साथ इनमें क्या था कि देश हित में ही बात करना है तो ये सब जब मैं आगे पढ़ाऊँगा क्योंकि इसको देखिए मैं आपको बता दूँ इससे पहले देख लीजिए इसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा इस पार्ट में मैंने इसको डिविजन क्यों किया क्योंकि अब ये बात समझ आ गई कि कांग्रेस की स्टैब्लिश के पीछे उनका क्या दिमाग था तो ये समझना है ये नहीं खाली ये पढ़ लिया कि कांग्रेस का स्टैब्लिश हुआ है नहीं शायद ये तो फिर ही गलत सीख जब मेन में जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन में पूछेगा कि कांग्रेस की स्टैब्लिश के पीछे ब्रिटिश की क्या मंशा था तब फिर आपको यहाँ समझना तो वहाँ पर सीधा सीधा है कि ये संस्था उन्होंने अपने वर्ग के लिए कि अपने सहयोग के लिए उसमें ऐसे ही लोगों को रखना देखिए उन्हें नहीं पता था कि इसमें दादा भाई नरोजी भी निकल आएंगे इसमें तो लाल रामपाल भी निकल आएंगे तो ये सारा दिक्कत इसको होने में कांग्रेस का अब जो अगली हिस्ट्री पढ़ेंगे वायसराय में वो मैं 1885 से आपको और 19 तक की हिस्ट्री पढ़ूँ और 19 से लेके फिर 47 तब देश आजाद है ठीक है। इसको थ्री पार्ट में मैं लेके चलाऊँ बाईस क्योंकि 58 से तो मैंने आपको अब ये 99 तक कंप्लीट करा दिया 85 तक करा दिया 85 से अब हम क्योंकि दूसरा जो प्रकाश शुरू होता उदारवादी प्रक्रिया का वो एक्शन में यही था 85 से लेके और 1905 क्योंकि कांग्रेस का डिवीजन तीन पार्ट है वो कौन से तीन पार्ट हैं 1885 से और 1905 कर्जन पहला चरण दूसरा चरण है 1905 से लेके 19 और तीसरा चरण है 1919 से लेके 47 तो कांग्रेस तीन चरणों में हमें पड़ा
होगी और कांग्रेस की टिकट नहीं होगी तो पहला चरण कराएंगे, फिर दूसरा। अब 85 से लेके और 95 तक का ये लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन की सीट है कर्जन को भी, और कर्जन से लेके जलियांवाला कांड है, क्योंकि चैप फोर का टाइम ड्यूरेशन जो है लॉर्ड हार्डिंग के बाद 16 से लेके और 21 लॉर्ड चैप्स फोर तक आपने बंद कराया कर्जन स्टार्ट होगा। तो ये आप आज ध्यान में रखते हैं इसको कि कांग्रेस के पीछे क्या मकसद थी, कांग्रेस की स्टैब्लिश किसके लिए की गई, तो ये सब आपको कब किया गया, इसका पहले अध्यक्ष कौन थे, उसकी अध्यक्षता रघुवंश बनर्जी ने की थी, कहाँ पे हुई, मुंबई में हुई, कब हुई थी, 1885 तभी स्टैब्लिश हुआ तभी अध्यक्ष हुआ। तो ये क्लियर हो गया सबको, इसको आप मैच कर पहला चरण।